हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। तो एक बहुत अच्छी जॉब अपडेट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये एक PSU की जॉब है, परमानेंट जॉब है और ये गवर्नमेंट जॉब भी है, ठीक है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जॉब है गेल इंडिया लिमिटेड से। तो गेल इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट करा हुआ है। तो जो रिक्रूटमेंट है वो गेट 2022 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर है। तो जॉब जो वैकेंसी है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल के लिए है और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए है, ठीक है। तो ये तीन डिसिप्लिन में गेल की तरफ से जॉब ओपनिंग आई है। तो इसको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ से हमको पता चलता है कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो जॉब आई हुई है उसमें आप बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में, अगर आपके पास मतलब बीटेक है, लेकिन वो बीटेक जो होना चाहिए वो इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, इस तरीके से आपके पास बीटेक होना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिकल से जाना चाहते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन आप इनमें से किसी भी एक ब्रांच से अगर आपने बीटेक करा होगा तो आप एलिजिबल होंगे, लेकिन आपके पास जो मार्क्स होने चाहिए वो 65% होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ें और इसमें अगर हम देखते हैं कि जो एज लिमिट है वो 26 ईयर्स होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और अगर 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया SC ST के लिए और 3 ईयर का रिलैक्सेशन जो दिया गया वो OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए दिया गया है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ सलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कि जो सलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन से भरना चाहते हैं तो आपका जो गेट का पेपर होना चाहिए वो IN ब्रांच से आपने दिया होगा, यानी गेट के पेपर का जो कोड होना चाहिए वो IN ब्रांच का होना चाहिए। यानी कि अगर आपने जो बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रखा है और आपने पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से दिया है तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। और अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मैकेनिकल में देंगे और इलेक्ट्रिकल से देना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल में होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का पेपर आपको देना चाहिए, यानी कि गेट स्कोर जो होगा वो इलेक्ट्रिकल का वैलिड होगा, इधर मैकेनिकल का वैलिड होगा या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का वैलिड होगा, ठीक है। ये तो जैसे यहाँ दिखाया हुआ है आप देख सकते हैं कि जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू आप जाना चाहते हैं एग्जीक्यूटिव ट्रेनी में, तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 ब्रांचेज मेंशन है, ठीक है। इस कॉलम में आप देखेंगे तो 6 ब्रांचेज आपके सामने मेंशन है, लेकिन उन लोगों ने बोला है कि जो पेपर होना चाहिए वो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से ही देना है, यानी कि आपका पेपर कोड होना चाहिए IN, ओके। अगर आपका पेपर कोड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप मैकेनिकल का भी देख सकते हैं और इलेक्ट्रिकल का भी इस तरीके से देख सकते हैं। इस PDF को मैं पिन करा देता हूँ कमेंट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये प्योरली जो सिलेक्शन है वो गेट 2022 के मार्क्स पर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद जो भी लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे वो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आपके पास गेट 2021 का स्कोर है तो आप अप्लाई ना करें, या उससे पहले का कोई स्कोर है तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि वो वैलिड नहीं लिया जाएगा। ये रिक्रूटमेंट जो है वो सिर्फ गेट 2022 के लिए। तो जिन लोगों को भी ऐसा लग रहा है, जो भी एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको ऐसा उम्मीद है कि उनका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है, तो वो लोग ज़रूर अप्लाई करें, वो लोग इस में जाके ज़रूर अप्लाई करें। और कैसे करना है अप्लाई, आप ऑनलाइन वेबसाइट खोलेंगे gailonline.com और उसके करियर सेक्शन में जाएंगे और वहाँ जाके अपने जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको आप कंप्लीट करेंगे, ओके। और वहाँ पर आपका गेट रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, उसको भी आप लिख देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो ओपन हो चुका है, 15th February से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो लास्ट डेट है वो 16th March है, तो 16th March लास्ट रहेगी, 15th February स्टार्टिंग रहेगा। तो पहले से ही आपको बता दिया जा रहा है, तो आप इसमें देर ना लगाएं, आप तुरंत जाके इस फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है ये। और यहाँ पर एक चीज़ साफ साफ मेंशन है कि वन पोस्ट डिसिप्लिन ओनली, ठीक है, वन पोस्ट या वन डिसिप्लिन, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई, एक पोस्ट या एक डिसिप्लिन में ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता, ओके। तो ये सिंपल सा जो इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको दिया, क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब है और ये PSU की जॉब है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो गेट देते हैं उनका ड्रीम होता है कि वो PSU में जॉब करें, तो डेफ़िनेटली ये जॉब आप ही के लिए। तो तुरंत आप इस जॉब में अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद
आप अपने गेट स्कोर का वेट करें, और जैसे ही आपका गेट स्कोर आएगा तुरंत ही आपको ये लोग नोटिफाई करेंगे कि आप उसमें शॉर्टलिस्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं। ओके, तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, अब बस आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद आपको ये जॉब में अपना ड्रीम फुलफिल करना है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही और अपडेट मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।